अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पहली बैंक नोट आज की एक चेकबुक की टाइप दिखती थी तो आपको कैसा लगेगा? आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली पेपर मनी यानी कि करेंसी नोट कौन सी थी और किसने इश्यू किया था? इवन भारत की सबसे पहली बैंक कौन सी थी, उसकी बैंक नोट कैसी दिखती थी और सबसे पहली बैंक नोट कौन सी थी, उसके बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस उत्सव, आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में। मैं पिछले 10-12 सालों से इसका कलेक्शन कर रहा हूँ और पिछले कुछ समय से इसका रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो बने रहिए, आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि नोट की जरूरत क्यों महसूस हुई दुनिया में। तो देखिए क्या होता है कि सिक्का है, सिक्का वजनी होता है, सिक्का का ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होता है और एक साथ सिक्के संभाल के लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। कुल मिला के सिक्के की कुछ लिमिटेशन थी। भारत में तो सिक्के ही चलते थे, सोने और चांदी के। अब प्रॉब्लम ये होता था, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम से हम धीमे धीमे आए सिक्के पे। सिक्के में क्या होने लगा, जब बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन करना है या इकोनॉमी एट लार्ज ऐसा कंसिडर करना है तो सिक्कों से नहीं चल सकती। एक बार आंख बंद करके आप सोचिए कि आज की जो इकोनॉमी है हमारी, उस पे से सारी नोट हटा दीजिए और सिर्फ सिक्कों से बिजनेस कीजिए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जैसे जैसे उस टाइम डेवलपमेंट आते गए, लोगों के दिमाग में ख्याल आता गया, तो उसको पता चला कि 5,000-10,000 सिक्के हैं, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिक्के में या एक नोट में, क्योंकि वो लिखावट है वो पढ़ा जाता है। अब 5,000-10,000 सिक्के का एक सिक्का नहीं बनता, लेकिन उसकी एक नोट जरूर बन सकती है जिसमें कुछ प्रॉमिस किया गया हो और वो प्रॉमिस फुलफिल हो सकता है बैंक से। बैंक की क्यों जरूरत महसूस हुई, देखिए अभी आज जैसे हम व्यापार करते हैं, व्यापार में बड़े पेमेंट होते हैं, तो प्रॉब्लम ये होता है कि इकोनॉमी एट लार्ज हम देखेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तो उसमें बहुत सारे सिक्के जाएंगे और एक्चुअली इतने सिक्के शायद अवेलेबल भी ना हो। तो इसमें बैंक करता है मीडिएटर का काम कि वो सभी के सिक्के संभालता है, बदले में उसको एक कागज का टुकड़ा देता है। उस कागज के टुकड़े पे एक प्रॉमिस किया जाता है कि हम आपको इतने सिक्के देने का वादा करते हैं, इतने रुपये देने का वादा करते हैं। वो जैसे मार्केट में वो एक नोट घूमेगा तो वो 5,000 सिक्का या 10,000 जितना कॉइन्स है उसका काम ये एक बैंक नोट पूरा कर सकता है। तो इसलिए बैंक की जरूरत हुई। बैंक का तो ऑलरेडी यूरोप में तो उसकी स्थापना हो ही चुकी थी, लेकिन इंडिया में तब नहीं आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में खूब बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद उसको पता चला कि अब और आगे जाना है तो बैंक तो चाहिए, विदाउट बैंक पॉसिबल ही नहीं है। तब जाके भारत में सबसे पहले बैंक आई। कब आई उसके पहले एक और बात जान लीजिए, दुनिया में सबसे पहली पेपर मनी की करेंसी सॉन्ग डायनेस्टी ने तकरीबन 900 BC में इंट्रोड्यूस की थी। स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं वो उसी नोट का फोटो है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि भारत की सबसे पहली बैंक कौन सी थी, उसकी कैसे स्थापना हुई और उसकी बैंक नोट कैसे दिखती थी। तो क्या हुआ कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रस्ताव भेजा इंग्लैंड में कि यहाँ पे बैंक की ज़रूरत है, तो प्राइवेट एजेंसी बैंक कोई भी आ सकती है। तो उस टाइम बहुत कॉलोनियल पीरियड था वो, तो बड़ी बड़ी एजेंसी हाउसेस हुआ करती थी, तब कोई ये बैंकिंग कोई नेशनलाइज नहीं हुआ था। तो वहाँ से एक अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी, ब्रिटिश एजेंसी हाउस था, उन्होंने यहाँ पे भारत में 1770 में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की और ऐसे बनता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का सबसे पहला बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की कलकत्ता में स्थापना की गई थी और कलकत्ता तब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट सिटी था बिजनेस के लिए। वहाँ से ब्रिटिश आने के लिए, वहाँ से जाने के लिए कलकत्ता वॉज द बेस्ट वे और बहुत सारा व्यापार कलकत्ता से ही हो रहा था। तो सबसे पहले बैंक भी बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में स्थापना की। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जितनी भी नोट्स थी वो कैसे दिखती थी, उसमें जो कुछ भी लिखा है उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका मतलब क्या होता है और ये कागज कैसे दिखते थे। तो वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, स्क्रीन पे बने रहिए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के अभी तक 4 प्रकार के अलग अलग नोट्स देखे गए हैं। वैसे बैंक की स्थापना तो सन 1770 में हुई थी, पर 1770 से लेके 1820 के बीच की कोई नोट्स आज तक देखे नहीं गए, हो सकता है वो कभी आगे मिल जाए। स्क्रीन पर आप जो नोट देख रहे हैं वह डार्क ब्राउन रेड एंड ब्लैक डेकोरेटिव प्रिंट में छापा हुआ सिक्का ₹20 का नोट है। साथ में ये बता दूं कि सिक्का ₹20 की जगह वो
₹20 भी लिख सकते थे, पर सिक्का रुपीस में सिक्का का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्ण ग्राम चांदी के सिक्के। कोई जब यह नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान को देगा तो बैंक उनको उतने रुपए के चांदी के सिक्के देंगी। परमेश्वरी लाल गुप्ता जी लिखते हैं कि उस समय दूसरे मुगल शासक थे, उनके भी सिक्के मार्केट में चलते थे। शुरू में तो उसमें पूर्ण ग्राम की चांदी हुआ करती थी, लेकिन साल के अंत में यह सिक्के घिस जाते थे, जिसकी वजह से उसमें चांदी कम हो जाती थी। यह सिक्के बट्टे में स्वीकार किए जाते थे। तो जब यह नोट कोई बैंक को देंगे तो बैंक को पूर्ण चांदी के ही सिक्के देने पड़ते थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम दो के नाम पे मुर्शिदाबाद मिंट में अपने सिक्के छपवाए और यह सिक्के बैंक में से आपको मिलेंगे, यह बताने के लिए नोट पे रुपीस के आगे सिक्का शब्द लिखा गया। तो दूसरे मुगल शासक के सिक्के से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के को अलग बताने के लिए सिक्का शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए अब नोट पे आते हैं वापस। नोट में लेफ्ट साइड गंगा जी कमल लिए खड़े हैं और राइट साइड हाथी पे महावत बैठे हुए हैं। ऐसा करने का कोई वैसे तो रीजन नहीं है, लेकिन देखिए कि बैंक कलकत्ता में था, बंगाल की जनता को विश्वास में लेने के लिए नोट पे गंगा जी को लगाया, क्योंकि गंगा जी कोलकाता में से बहती थी और लोगों को ये सब फैमिलियर लगे, और भारत के लोग गंगा जी को मानते भी बहुत थे, और हाथी गणेश जी का स्वरूप था और उस समय राजा रजवाड़े भी हाथी पे बैठ के जाते थे, तो उस हिसाब से भी लोग प्रभावित हो, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पर्सोनिफाइड गंगा जी और राइट साइड पे पर्सोनिफाइड महावत और हाथी, ऐसा सब चित्रण किया हुआ है। नोट के लेफ्ट साइड मैनुअल सीरियल नंबर की जगह है, कलकत्ता के बाद डेट की जगह है, बीच में सिक्का रुपीस 20 का प्रॉमिस दिया है और जिसके पक्ष में यह नोट देनी हो उसका नाम लिखने की जगह है। तारीख का एक जगह राइट साइड पे है तो नोट के इश्यू टाइम पे भरा जाता था, और एक जगह लेफ्ट साइड पे है उसको जब नोट वापस करके सिक्के लेने जाते थे तब भरा जाता था। उसके ठीक ऊपर कैशियर का सिग्नेचर आता था। उस वक्त आज के जैसे गवर्नर या फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर नहीं आते थे, मैनुअल सिग्नेचर होते थे, ऑन द स्पॉट होते थे, क्योंकि तब सारी बैंक जो भी थी वो सब प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। नोट के नीचे लेफ्ट साइड बांग्ला में 20 टंका लिखा है, जबकि बीच में अंग्रेजी में रुपीस 20 लिखा है, जबकि राइट साइड में पर्शियन में 20 रुपीस लिखा है। यह नोट 4, 10, 16 और 20 सिक्का रुपीस में मिला, लेकिन इनमें से कोई भी नोट सर्कुलेटेड नहीं मिला, सारे नोट अनइश्यूड टाइप ही मिले। इस नोट को ईयर 1819 या 1820, इन दोनों में से किसी एक ईयर में विड्रॉ कर लिया गया था। इसके बाद यह नोट जारी किया जो बायो कलर्ड और ब्लू अंडर प्रिंट में दोनों साइड मार्जिन के साथ। नोट के टॉप पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी में लिखा है, जिसके दोनों साइड कलकत्ता लिखा है। नोट के दोनों साइड ओवल पैनल में 16 रुपया सिक्का अरेबिक, हिंदी और बांग्ला में लिखा हुआ है। इसमें अरेबिक में जो लिखा हुआ है वह अरेबिक सियाक नंबर में लिखा है। नोट के नीचे टाइगर का चित्रण किया है और उसके नीचे बांग्ला, पर्शियन और हिंदी में हिंदुस्तान का बैंक ऐसा लिखा हुआ है। बंगाल में टाइगर बहुत थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने यहाँ पे टाइगर का चित्रण किया है। इस नोट में भी डेट, सिग्नेचर और सीरियल नंबर मैनुअल ही लिखा जाता था। बीच में प्रोमिसरी टेक्स्ट है और उसके साथ लेफ्ट और राइट में 16-16 लिखा है। नोट के पीछे भी 16 रुपये हिंदी, पर्शियन और बंगाली में लिखा गया है। वैसे यह नोट सर्कुलेटेड है तो नोट के पीछे जितने हाथों से नोट गई है उन सब के मैनुअल नंबर्स लिखे हुए हैं। यह नोट 4, 10, 16 और 20 सिक्के रुपीस में इश्यू हुआ था, जिनमें से स्क्रीन पर जो आप नोट देख रहे हैं वो एक्चुअल बाजार में सर्कुलेट होके आया है। इस नोट को सन 1829 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब उस वक्त एक गोल्ड मोहर 11.66 ग्राम की थी, जिसे हासिल करने के लिए 16 चांदी के सिक्के जो 12.43 ग्राम के थे वो देने पड़ते थे। इसलिए यहाँ पे आप देखिए 16 सिक्के का नोट जारी किया है। वैसे ये 16 नंबर तो ओड है, लेकिन पहले 16 सिक्के की एक नोट से एक गोल्ड मोहर मिलती थी, या 16 चांदी के सिक्के से एक गोल्ड मोहर मिलती थी। अब तीसरे प्रकार का जो नोट है वह यूनिकलर था, मतलब एक ही कलर में बनाया गया, और यह नोट 250 सिक्का रुपीस का नोट था। नोट के टॉप में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता लिखा है और अपर मार्जिन में और लोअर मार्जिन में राइट और लेफ्ट दोनों साइड बैंक ऑफ हिंदुस्तान हिंदी, पर्शियन और बंगाली में लिखा हुआ है। प्रोमिसरी टेक्स्ट में ऊपर लेफ्ट राइट दोनों साइड डेट का स्पेस है। इस नोट में भी सभी लिखावट मैन्युअली होती थी। नोट के नीचे मिडल में सीटेड टाइगर है। यह नोट 50, 100, 250, 500, 1000 इन डिनोमिनेशन में इश्यू किया था, और इस नोट के रिवर्स सिक्का
250 रुपये हिंदी, पर्शियन और बंगाली में लिखा गया है। अब जो चौथा नोट है वो प्लेन टेक्स्ट डिजाइन में है, जैसे पहले नोट में गंगा जी थे, दूसरे और तीसरे में टाइगर था, तो उस तरह से इसमें कहीं पे भी चित्रण नहीं किया गया है। नोट के दोनों वर्टिकल पैनल पे अरेबिक न्यूमरल और फारसी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, साथ में नोट के सबसे ऊपर बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा है और दोनों साइड अंग्रेजी में 16 लिखा है। दो डेट्स और दो सीरियल नंबर की स्पेस के बीच में प्रोमिसरी टेक्स्ट है, उसके नीचे हिंदुस्तान का बंक हिंदी, पर्शियन और बंगाली में लिखा है। नीचे के मार्जिन में सिक्का 16 रुपया हिंदी और बंगाली में लिखा है। यह नोट 4, 10, 8, 16 सिक्के में जारी किए थे। इनमें से 16 सिक्का नोट की एक गोल्ड मोहर, 8 सिक्का नोट की आधी गोल्ड मोहर और 4 सिक्का नोट की क्वार्टर गोल्ड मोहर मिलती थी। तो यहाँ पे देखिए 4, 8 और 16 इस प्रकार जो भी नोट जारी किए गए हैं उससे गोल्ड मोहर एक्सचेंज करवाई जा सकती थी। इसके उपरांत भी एक 5 सिक्का की नोट देखने को मिली जो सबसे पहली वाली रेड ब्राउन की डिजाइन है उससे मैच हो रही है। इस नोट के टॉप पे हिंदुस्तान का बैंक है, न कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पर प्रोमिसरी टेक्स्ट में आप देखेंगे तो फॉर द बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आइदर ये नोट ट्रायल नोट हो सकती है या फिर पैटर्न नोट हो सकती है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। लेकिन यहाँ पे इश्यूइंग ऑथोरिटी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया लिखने में, हिंदुस्तान का बैंक लिखा है उसकी वजह से ये इश्यू नहीं हुआ और ये डिजाइन भी परमिशेबल नहीं हुई। फिर बाद में जाके द बैंक ऑफ हिंदुस्तान ऐसा करके सारी नोट आई। यह नोट हमें कभी देखने को नहीं मिलती अगर महान सिक्का विशेषज्ञ, महान न्यूमिस्मेटिस्ट, महान रिसर्चर श्री परमेश्वरी लाल गुप्ता जी अगर स्वीडन के स्टॉकहोम के रॉयल म्यूजियम में न जाते तो हमको ये नोट कभी देखने को नहीं मिलती। वो वहां गए, वहां से फोटो निकाली, रिक्वेस्ट की और आज हम जिस भी कैटेलॉग में ये नोट देखते हैं वो गुप्ता जी की बदौलत है। गुप्ता जी को सादर प्रणाम, नमन। तो अभी तक आपने जितनी भी नोट देखी वो सब नोट परकिंस एंड बैकॉन्स लंदन में प्रिंट हुई नोट है। अगर ये जितनी नोट आपने स्क्रीन पे देखी वो सब आपको देखनी है तो आप जा सकते हैं बेंगलोर में रिजवान रजाक म्यूजियम ऑफ इंडियन पेपर मनी। रजाक साहब इंडियन ओरिजिन पेपर मनी के ग्रेटेस्ट कलेक्टर में से एक है और आज में इंडिया में उनके पास सबसे बेहतरीन और सबसे सिस्टमेटिक पेपर मनी का कलेक्शन है। इवन उन्होंने एक म्यूजियम भी खोल रखा है आम पब्लिक के लिए, जो कभी भी जाके वहाँ पे म्यूजियम की मुलाकात ले सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आप स्क्रीन पे जितने भी नोट्स देख रही है वो रिजवान रजाक म्यूजियम ऑफ इंडियन पेपर मनी से फोटो ली हुई है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की जानकारी? आज मैंने बताया कि भारत की सबसे पहली बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद उसकी जो भी नोट्स थी वो भी आपको बताई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सन 1829-30 में 3 मेजर रन्स को सर्वाइव करके भी, मतलब 3 बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसे आज यश बैंक का लफड़ा वगैरह जैसा हुआ था उस टाइम उस पर भी हुआ था, बैंक पे से विश्वास उठ गया था, फिर भी 3 टाइम बैंक सर्वाइव कर गई। उसके बाद वो उतना सर्वाइव नहीं कर पाई और 1830 में वो अपनी ओरिजिनल जो कंपनी थी अलेक्जेंडर एंड कंपनी उसमें बैंक का विलय कर दिया गया। तो अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि कौन से नोट है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के नोट है, कौन से नोट मद्रास प्रेसिडेंसी के हैं, कौन से नोट है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आगे भी ऐसी रोचक जानकारी देता रहूँगा। और आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक किए बिना मत जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक मस्त वीडियो में।